आयरन से साफ कर लेना है। ये बंडी है, मोदी कोट बोलते हैं जो। इसको एक ही दफ़ा खूब अच्छी तरीके से आयरन करना है, ताकि आपका ये बाद में आयरन ज़्यादा ना करना पड़े। इसको बैठा करके फिर आयरन करते हैं। ये इस वीडियो में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, से नए नए लोग होते हैं वो जैसे सीखने जाते हैं, तो उनका गुरु बोलेगा आयरन करने के लिए तो कैसे करेंगे, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा पेस्ट ले करके, पानी पेस्ट, और पॉकेट के नीचे लगा देंगे, ताकि आपका पॉकेट आगे पीछे ना अंदर वाला करता रहे। दोनों साइड में पॉकेट हो गया। उसके बाद में बैक का जो अस्तर का है, सिलाई लगा हुआ था, उसको साफ कर लेना है। बैक में जो सिलाई लगाते हैं वो थोड़ा सा लाइलिंग है, इसलिए वो खींचता है, तो उसको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। फिर बाहर से उसको एक साइड से बैठा करके फिर आयरन करना है। ये पूरे साइड में आयरन अच्छे से कर लेना है। तो ये आपका बैक हो गया, तो बैग को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। इसको दोनों साइड में चीरा बोलते हैं। इसको जितना अच्छा से आयरन करेंगे उतना ही बाद में सिलाने के बाद में ज़्यादा आयरन नहीं करना पड़ेगा। अगर अच्छी तरीके से नहीं बैठाएंगे तो ये बाद में चल करके आपको दोनों साइड में मुड़ जाएगा, इसलिए ये दोनों अच्छे तरीके से साफ चाप करके फिर इसको फ्रेश आयरन कर देना है। ये आपका बाहर से हो गया। इसको अच्छी तरीके से बाहर से भी प्रेस कर लेना है। अब ये पॉकेट को जो है वो अंदर से साफ कर लेना है, ताकि आपका सिलाई खींचा उचा रहेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में अंदर से भी थोड़ा हल्का पानी रख करके
कोट का काम हो गया, और ये मोदी जैकेट हो गया, बंडी वास्कट हो गया, ये सब काम मशीन के ऊपर कम रहता है और आयरन के ऊपर ज़्यादा रहता है। क्योंकि आयरन अगर अच्छी तरीके से आप करेंगे तो समझिए आपका काम एकदम अच्छा होगा। अगर आयरन अच्छा नहीं किए इसके बाद में पॉकेट के नीचे थोड़ा पेस्टिंग लगा देना है। तो ये आपका बाहर से हो गया। उसके बाद में नीचे लंबाई तोड़ लेना है। अभी आपको लॉब पलटना है तो पहले नीचे रख कर के मार लेंगे, फिर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। फिर ऊपर से सिलाई लगाना है। एक बराबर करके उसके बाद में आपको आर्म होल जो है वो पलटना है।
फिर बैन के लिए ये 1.25 इंची, तो ये आपका पलट गया। इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे हाथ से। आपका ये लाभ पलट गया। तो चलिए मैं अगले वीडियो में फिर दिखाऊंगा। तो आप सिर्फ प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और जितना पार्ट पार्ट वीडियो कोट का, पैंट का, शर्ट का, वेस्ट कोट का, बंडी का, तो आप सब पूरा पार्ट देखेंगे फिर आपको पूरा मालूम चलेगा। तो आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरा चैनल से जुड़े रहे। ओके, बाय।